आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। द क्वेश्चन इज सेलेक्ट द मैच वंस। ओके, तो चार मैच दिए गए हैं, चार हमें ऑप्शंस दिए गए हैं और जो करेक्ट मैच करेंगे एक दूसरे के साथ उसको हमें चूज करना है। तो यहाँ पे नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया दिया गया है, उसके साथ दिया गया है कि नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करेगा। थायोबैसिलस दिया गया कि वो डीनाइट्रिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नोस्टॉक फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर होगा। एज़ोटोबैक्टर एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सर का एग्जाम्पल है। तो ये हमें दिया गया है। तो सबसे पहले नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया की बात कर लेते हैं। तो नाइट्रोसोमोनास रिस्पॉन्सिबल होगा नाइट्रिफिकेशन के लिए। अब नाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा, जो अमोनिया होगा वो ऑक्सीडाइज्ड होगा और कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्राइट के अंदर। और इस प्रोसेस के लिए जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है वो होगा नाइट्रोसोमोनास। ये अमोनिया को नाइट्राइट के अंदर कन्वर्ट करेगा, लेकिन यहाँ दिया गया है नाइट्राइट का कन्वर्जन नाइट्रेट के अंदर। तो इसके लिए जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है वो होगा नाइट्रोबैक्टर। ओके, तो ये करेक्ट मैच नहीं करेंगे। नाइट्रोसोमोनास नाइट्राइट टू नाइट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो सिर्फ अमोनिया को नाइट्राइट के अंदर कन्वर्ट करेगा। सेकेंड इज थायोबैसिलस डी नाइट्रिफिकेशन। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि डी नाइट्रिफिकेशन होता क्या है। ओके, तो अब जो नाइट्रेट फॉर्म हुआ है नाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस से, उसका क्या होगा, वो रिड्यूस्ड होगा किसके अंदर, टू नाइट्रोजन। और इस प्रोसेस को कहेंगे हम डी नाइट्रिफिकेशन। अब हम डी नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया की बात करें तो यहाँ पे लेंगे हम सूडोमोनास का एग्जाम्पल और थायोबैसिलस। तो ये दोनों बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है डी नाइट्रिफिकेशन के लिए। तो थायोबैसिलस के साथ डी नाइट्रिफिकेशन दिया गया है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करें हम नोस्टॉक की, तो नोस्टॉक और एनाबेना हमारे फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। नोस्टॉक क्या है, हमारा साइनोबैक्टीरिया होगा, साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी, जो कि नाइट्रोजन के फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया दो टाइप के होंगे, फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक। तो नोस्टॉक यहाँ पे फ्री लिविंग का एग्जाम्पल है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा हमारा। अब बात करें लास्ट एज़ोटोबैक्टर की, तो यहाँ पे जो एज़ोटोबैक्टर होगा वो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, बट ये एरोबिक एग्जाम्पल है, एनारोबिक नहीं होगा, एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सर होगा। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे इनकरेक्ट हो जाएगी। तो सेकंड और थर्ड हमारे करेक्ट मैच हो गए। ओके, और सेकंड और थर्ड हमें दिए गए हैं थर्ड ऑप्शन में, तो सिंपल हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो जाएगा थर्ड। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।